नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। और एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला और तारीफ करनी होगी कि लगातार दूसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला पाकिस्तान से। हालांकि संघर्ष किया और मिडिल ऑर्डर भी थोड़ी सी टेस्ट हुई, लेकिन एक अच्छी जीत यहां पर पाकिस्तान की और पूल में एक बार फिर टॉप में पहुंच गई है। और एक बात तो तय है कि यहां से अब पाकिस्तान को 3 आसान मैचेस खेलने और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तय माना जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब सेमीफाइनल के लिए इस पूल से सिर्फ एक ही कुर्सी बची हुई है और उस कुर्सी के लिए ज्यादातर जो लड़ाई दिख रही है यहां पर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल इस बारे में हम आगे जाएंगे क्योंकि ये भविष्य की बात है। जो मौजूदा यहां पर देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि न्यूजीलैंड पर एक शानदार जीत दर्ज की पाकिस्तान ने। 5 विकेट की, 135 रनों का लक्ष्य था 135, और 18.4 ओवर में 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जो 6 विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी भी हुई, शानदार साझेदारी देखने को मिली आसिफ और शोएब मलिक के बीच। एक अच्छी बल्लेबाजी, शोएब मलिक ने लंबे लंबे छक्के भी लगाए और तारीफ करनी होगी कि 40 साल के इस खिलाड़ी के बल्ले से इस तरीके के रन देखने को मिले। लेकिन बीच में थोड़ी सी टीम संघर्ष करती हुई नजर आई, लेकिन उबर गई क्योंकि शायद न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। 20-25 रन और होते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था, इस मैच का हो सकता था। लेकिन क्या है ये कि पाकिस्तान ने 5 विकेट से इस मुकाबले को जीतकर अपनी सेमीफाइनल की कुर्सी लगभग पक्की कर ली है। आरपी, बिल्कुल जो आपने बात की, अगर आज का मैच देखो पाकिस्तान का, तो खिलाड़ी वो ज़्यादा चमके जो पिछले मैच में, जिनको गेंदबाजी में भी उतना खास नहीं किया, जिसमें रऊफ की बात करूँगा, 4 विकेट प्राप्त किए, अच्छी गेंदबाजी की। पर सबसे जो अहम बात आज के मैच से देखने वाली थी कि आपका मिडिल ऑर्डर कैसा खेलता, क्योंकि कई बार चर्चा भी थी और हम लोग जब शो भी कर रहे थे पाकिस्तान के साथ चैनल्स के साथ, तो उनका अभी तक मिडिल ऑर्डर में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, पर आज वो समस्या मैंने देखी। उसमें शोएब मलिक ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। और मैं हमेशा कहता हूँ, मनीपाजी से बात भी कर रहे थे कि शोएब वो ऐसे खिलाड़ी हैं क्योंकि एक्सपीरियंस है, अगर टोटल कम है तो ये खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज शोएब मलिक ने वही करके दिखाया। आसिफ ने तो कमाल की बल्लेबाजी की। बिल्कुल, आसिफ की तारीफ करनी होगी, 27 रन 12 गेंदों में और 3 छक्के जड़े आसिफ ने। और खास बात यह थी कि आसिफ अली के चेहरे पर, मुंह पे आके गेंद भी लगी बड़ी तेजी से टीम सऊदी की, उसके बाद उनको चक्कर भी आ रहे थे, फिजियोज भी मैदान में आए, डॉक्टर्स भी आए, चेक भी किया। लेकिन जज्बे और जुनून की यहाँ पर तारीफ करनी होगी आसिफ अली की, कि टीम को पार लगाकर माने। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक बल्लेबाज की, एक बड़ी पारी खेलने से कुछ काम नहीं होता जब तक आप पार ना लगाए, और ये काम आसिफ अली ने करके दिखाया। ओवरऑल पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पर मनीपाजी की राय। अब बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है। देखिए, पहला मैच जो इंडिया के अगेंस्ट जीते ना, मुझे लगता है उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल इनका काफी हाई चला गया, क्योंकि आज जब 135 रन चेस कर रहे थे, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेज ना कर पाए क्योंकि पिच से थोड़ी सी मदद थी बॉलर्स को। लेकिन उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज जो मिला पाकिस्तान को, ये था कि बॉल गीली होनी शुरू हो गई थी, और वो डिसएडवांटेज रहा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि एक समय तक तो न्यूजीलैंड ने पकड़ के रखा था इस मैच को, लेकिन जब बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो गई तो फिर उसके बाद उनके काबू में नहीं रही, उसका पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन इसका सारा श्रेय पहले मैच को मैं देता हूँ, वहाँ से वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया है वो इस मैच में भी उतारा। बिल्कुल, और यहाँ पर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी तो अच्छी की है, लेकिन 5 विकेट खो दिए, 135 रन उन्होंने बनाए। लेकिन थोड़ी गेंदबाजी की भी बात करनी होगी, लगातार दूसरे मैच में भी अच्छी गेंदबाजी। आरपी, आपने शुरुआत ही कही कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, और खासकर हैरिस राव जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी, 4 ओवर 21 रन। और खास बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक ओवर मेडन भी डाला। ओवरऑल अगर उनके गेंदबाजों का परफॉर्मेंसेस देखें आप, अगर हफीज को हटा दें, 2 ओवर में 16 रन दिए और रेगुलर गेंदबाज है भी नहीं। लेकिन अगर आप बात करें शादाब खान की, 3 ओवर में 19, हरीश राव 4 ओवर में 22, हसन अली ने 3 ओवर में 26, थोड़े से महंगी साबित हुए, करीब 9 के औसत से रन दिए और विकेट लेस भी रहे। लेकिन ओवरऑल बोलिंग यूनिट एक अच्छी यूनिट की तरह, पूरे यूनिट ने फायर किया है। आरपी, बैलेंस तरीके से गेंदबाजी हो रही है। अगर आप समीप देखें कि पावर प्ले कितना महत्वपूर्ण होता है गेंदबाजी नजरिए से, उसमें काफी खड़े उतरे हैं पाकिस्तानी गेंदबाज। पहला ओवर ही शाहीन शाह अफरीदी ने मैडन डाला, वो एक आपको टोन सेट करता है कि आपकी लय अच्छी है, आप मैच में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हैं, और आपका एनर्जी लेवल भी थोड़ा अगेंस्ट टीम से हाई है। और उसके बाद बाकी गेंद रॉफ को, मुझे लगता था कि थोड़ा इशूज़ रहेंगे कि गेंदबाजी पर, यहाँ गेंदबाजी बहुत अच्छी की गति है इस गेंदबाज के पास, और उसे चकमा भी दिया गेंदबाजी में। स्पिनर जब भी गेंदबाजी करना है, सिर्फ एक प्रोफेसर को छोड़ दें आप, जिनका निकनेम है, उनको छोड़ दें, तो आप बाकी गेंदबाजों ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने कभी हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। वहाँ पर मैं कहूँगा कुछ बल्लेबाज, केन विलियमसन का आउट होना, जो रनआउट हुए समीप, वो बहुत बड़ा सेटबैक रहा न्यूजीलैंड के, अगर वो खेले होते शायद कुछ बेटर स्थिति में होते। बिल्कुल, बॉलिंग को कैसे आंकेंगे आप मनीपाजी पाकिस्तान के? नहीं, उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके पास 6 बॉलर्स हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और किसी का ऑफ डे है,
तो फिर वो ढूंढे किसको कि किससे बॉलिंग कराए बाकी के ओवर्स। सो ये उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये इस मैच में भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर हम पाकिस्तान के प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का लगभग सेमीफाइनल पहुंचना तय है। इस बारे में दोनों एक्सपर्ट्स बताएंगे, हमारे क्रिकेटर्स मैदान में उतरे हुए हैं तो वही बताएंगे कि सेमीफाइनल पहुंचना तय माना जाए। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान के लिए यहां से लड़ाई मुश्किल होती है, आसान होती है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पाजी आपके साथ शुरू करूंगा क्योंकि अब कुर्सी जो है एक रह गई है। अगर देखें पाकिस्तान दो जीत के बाद सेमीफाइनल ना पहुंचे और उनके सामने जो ओपोनेंट्स हैं अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड जैसे, उनके खिलाफ मतलब ये तो एक अजूबा ही होगा अगर वो हार जाते हैं। नहीं तो सेमीफाइनल मान के चला जाए कि पहुंचना तय है पाकिस्तान का, कुर्सी एक बच गई है और वो भारत के लिए। तो यहां से हिंदुस्तान के लिए कैसी स्थिति बनते हुए आप देखते हैं, पहले आप बताएं। देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ये, हमने आज जब YouTube पर भी शो किया था 6 बजे, जब 7 बजे का भी शो किया था, मैंने एक ही बात कही थी, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है इंडिया के लिए कि सोच ये रखनी है कि हमें सभी मैचेस जीतने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही एक तरीका है कि आपको फिर ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि दूसरी टीम किसी से हार जाए तो हमारा मौका बने। वो सोच कभी भी नहीं होनी चाहिए और वो सिचुएशन भी कभी नहीं आनी चाहिए किसी टीम के लिए। सो सिंपल कैलकुलेशन, सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। लेकिन अब कुर्सी एक बाकी है आरपी, अब सवाल ये उठ रहा था मन्नी पाजी को भी बोलना, लेकिन अब आपकी बारी है ब्रेक के बाद कि यहां से एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक स्पॉट अगर हकीकत में देखें क्रिकेटिंग लॉजिक से एक स्पॉट बचा हुआ है सेमीफाइनल के लिए। देखिए आप बाहर तो है नहीं टूर्नामेंट से, कि आप एक मैच हार गए पाकिस्तान से तो आप बाहर हो गए, आपके पास अभी पूरी उम्मीद है और आपके पास मौका है। अगर न्यूजीलैंड का मैच एक सेमीफाइनल फाइनल के तौर पे अगर आपने खेला और मैच जीत गए तो आप बने रहेंगे और नंबर 2 पर रह के क्वालिफाई भी करेंगे, क्योंकि बाकी जो मैचेस हैं उसमें अफगानिस्तान टीम है जो अपसेट कर सकती है और बाकी उतने मैचों में उतना बड़ी टीमें नहीं जो आपको यहाँ हरा सकती। न्यूजीलैंड टीम इस मैच को बहुत अच्छी तरीके से बहुत तवज्जो देकर खेलना पड़ेगा, तभी आपका जो आगे का रास्ता है नॉकआउट की तरह। आप नॉकआउट ही समझिए कि पहला मैच हारने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, वो तो फिर आप होप रहोगे ना कि वो उसको हरा दे, वो उसको, वो सब करना ही नहीं है। अपना क्लियर थॉट होना चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे ये मैच जीतना है, तभी हमारे आगे का रास्ता आसान होगा। और इस बार हम बात करेंगे उस टीम की जो मौजूदा चैंपियन है, लेकिन उसका भी बाहर जाना लगभग तय हो चुका है और इतनी बड़ी टीम थी और ये थोड़ा सा चौंकाता है पाजी कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम से उम्मीद थी और वेस्ट इंडीज के सारे खिलाड़ी लगभग IPL में खेल रहे थे, उनसे इससे बेहतर परफॉर्मेंसेस की उम्मीद थी। नहीं, लेकिन IPL में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। ये बात है, वो जो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए था इस टूर्नामेंट में वो नहीं हुआ, और फिर आप जब क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को खिलाते हैं जो लगातार फेल होता चला जाए तो फिर उसका भी असर टीम पर पड़ता है ना, क्योंकि आपने नंबर 3 पर खिलाया फिर 5 पर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है उनका। सो पेट्रोल खत्म हो चुका है। सो बेसिकली इस टीम के खिलाड़ी IPL में जरूर खेले लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो। बिल्कुल, एक बात तो तय है कि यहाँ पर हमें नया वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ दिख रहा है। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल यहाँ पर मैं आरपी से दाग दूं कि कौन सबसे बड़ा दावेदार लग रहा है वेस्ट इंडीज जब ऐसा बाहर होती हुई लग रही है मौजूदा चैंपियन, अब नया चैंपियन कौन दिख रहा है आपको सबसे बड़ा दावेदार? ये तो बहुत मुश्किल है इस समय बताना, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग तो सब चाहते हैं कि भारत ही नया चैंपियन रहेगा, अगला मैच जीत जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आ जाएगी, पर उसके साथ साथ जैसे आज साउथ अफ्रीका खेली है उसमें भी थोड़ा दम दिख रहा है मुझे कि शायद ये भी अपना फॉर्च्यून अपना भविष्य बदल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको बता दें कि कल शाम 6 बजे पहले हम हाजिर होंगे अपने इंडिया टीवी क्रिकेट YouTube चैनल पर, जहां पर हम विस्तार से भारतीय टीम की तैयारियों के बारे में बात करेंगे। KL राहुल के बारे में खास तौर पर कल बातचीत होगी क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी पहले मैच में नहीं दिखा जो आपके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। इसके अलावा 6-7 नंबर पर कौन से बल्लेबाज होने चाहिए, क्या ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए, कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और फिर शाम 7 बजे इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे दिन के चर्चा के लिए और इस एनालिसिस के लिए पाजी और आपका आरपी सिंह का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।